नमस्ते विद्यार्थियों, डॉक्टर कीर्ति की हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए ICSE बोर्ड हिंदी नई रंगोली, इसका लेसन नंबर 3, जिसका नाम है सदाबहार मिजोरम, यह लेकर आई हूँ। आज हम इसका स्वाध्याय यानी कि क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं, तो आइए हम इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स को शुरू कर देते हैं। स्टूडेंट्स की डिमांड आई थी कि सदाबहार मिजोरम इस लेसन के क्वेश्चन आंसर समझा दीजिए, तो लीजिए आज ये वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। हम इस लेसन के जब क्वेश्चन आंसर के बारे में देखते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने आते हैं मौखिक क्वेश्चन, और मौखिक क्वेश्चन के बाद में हमारे पास में है लिखित क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें मिजोरम के जो लोग हैं उनके मिज़ोरम कब बना, मिज़ोरम जो है वो वहाँ के लोगों का रहन सहन, वहाँ के लोगों का काम धंधा, इस बारे में इसमें सब बताया हुआ है। तो इसके क्वेश्चन और आंसर शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि मिल बांट कर पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, कभी भी कम नहीं होता, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। तो आइए मौखिक, इसमें भाषा कौशल दिया हुआ है, इसमें प्रत्यास्मरण, अवबोधन और अभिव्यक्ति, इस तरह के मतलब आपकी अभिव्यक्ति, आप किस तरीके से इस क्वेश्चन के आंसर को लिखते हैं वो देखा जाता है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न आपको दिया हुआ है और वो है, मिजोरम केंद्र शासित प्रदेश बनने से पहले किसका अभिन्न अंग था। दूसरा क्वेश्चन आपको दिया है, मिजो लोग वर्मा के किन पहाड़ों से भारत में आए। ग नंबर का प्रश्न आपको दिया है, अंग्रेजों द्वारा जिला अजवाल को मुख्यालय बनाने से मिजो लोगों के मन में क्या संदेह उठा। और लास्ट का क्वेश्चन घ नंबर दिया है, पिछड़ी जनजाति के लोगों ने कौन सी राजनीतिक पार्टी बनाई। तो सबसे पहले हम इन प्रश्नों के उत्तरों को देख लेते हैं और बाद में हम लिखित वालों में से देखेंगे। ठीक है, तो मौखिक के प्रश्न नंबर पहला जो है उसका आंसर है, मिजोरम केंद्र शासित प्रदेश बनने से पहले असम का अभिन्न अंग था। किसका अभिन्न अंग था? असम का। दूसरा प्रश्न था कि मिजो लोग वर्मा के किन पहाड़ों से आए हैं भारत में। तो उत्तर है ख नंबर, कि मिजो लोग वर्मा के चीन पहाड़ों से भारत में आए। नेक्स्ट है ग नंबर का आंसर, अंग्रेजों द्वारा जिला अजवाल को मुख्यालय बनाने से मिजो लोगों के मन में संदेह हो गया कि यह इनकी संस्कृति को मिटाने का एक षड्यंत्र है ना। अजवाल को जब मुख्यालय बनाया गया तो मिजो लोगों ने सोचा कि भाई ये तो हमारी संस्कृति को जो है नष्ट करने के लिए आए हैं, मिटाने के लिए आए हैं, ये इनका जरूर से कोई ना कोई षड्यंत्र है। आगे देखते हैं घ नंबर का क्वेश्चन और उसका आंसर, कि पिछड़ी जनजाति के लोगों ने कौन सी राजनीतिक पार्टी बनाई, उसका नाम हमको लिखना है। तो वही मुख्य है इसका, तो लिखेंगे हम लोग आंसर कि पिछड़ी जनजाति के लोगों ने मिजो कॉमन पीपल्स यूनियन नामक राजनीतिक पार्टी बनाई। कि आपका घ नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया। इस तरीके से आपके जो मौखिक आंसर है ये कंप्लीट हो गए। आइए लिखित क्वेश्चन देख लेते हैं। तो लिखित क्वेश्चन के अंदर आपको पहला प्रश्न दिया हुआ है, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में मिजोरम का उद्घाटन किसने और कब किया था। ख नंबर का प्रश्न है, मिजो शब्द का अर्थ बताइए। ग प्रश्न है, मिजोरम में मकान किस प्रकार के होते हैं, वहाँ मकान बनाने में क्या क्या प्रयोग किया जाता है। घ प्रश्न है, मिजोरम के लोगों का स्वभाव कैसा होता है, वहाँ कौन सा नृत्य बहुत ही लोकप्रिय है। और ड नंबर का प्रश्न है, मिजोरम के लोग किस पद्धति से खेती करते हैं, इसके अतिरिक्त वे जीविका के लिए और क्या काम करते हैं। तो ये हमारे प्रश्न हो गए लिखित के। पहला प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में मिजोरम का उद्घाटन किसने और कब किया था। आंसर देखेंगे, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में
मिजोरम का उद्घाटन भारत की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने 21 जनवरी 1972 में किया था। किसने किया था? तो स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने। और कब किया था ये दूसरा प्रश्न है, उसका आंसर है 21 जनवरी 1972 को। यानी एक ही प्रश्न के अंदर दो प्रश्न पूछे हुए हैं और उनके दोनों के आंसर लिखना है, यानी आपको ये 21 जनवरी 1972 भी लिखना ही लिखना है। दूसरा प्रश्न हमारा था, मिजो शब्द का अर्थ क्या है? उसका का आंसर है, मिजो शब्द का अर्थ है पहाड़ी आदमी, है ना, पहाड़ों पर रहने वाले पहाड़ी आदमी। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि मिजोरम के मकान किस प्रकार के होते हैं और वहाँ मकान बनाने में क्या क्या प्रयोग किया जाता है। हम उत्तर लिखेंगे कि मिजोरम में तूफानी आंधियाँ चलते रहने के कारण यहाँ के मकान बहुत मजबूत बनाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ हमेशा तूफानी आंधियाँ चलती है ना, इसलिए मकान जो है बहुत ज़्यादा मजबूत बनाए जाते हैं। मकान बनाने में अधिकतर बांस और कड़ी का उपयोग किया जाता है। ये इसका उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिजोरम के लोगों का स्वभाव कैसा होता है? यहाँ कौन सा नृत्य बहुत ही लोकप्रिय है, इसका आंसर देख लेते हैं। मिजोरम का लोगों का स्वभाव कैसा होता है? तो इनका स्वभाव रंगीन होता है। मिजोरम के लोग रंगीन स्वभाव के होते हैं। इनके नृत्य में चेराव लोक नृत्य बहुत ही लोकप्रिय है। नृत्य का यानी डांस का नाम क्या है? चेराव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि मिजोरम के लोग जो है वो किस पद्धति से खेती करते हैं, इसके अतिरिक्त वे जीविका चलाने के लिए और क्या काम करते हैं। जीविका चलाने के लिए यानी रोज़मर्रा के जीवन को जीने के लिए और क्या क्या काम करते हैं, भाई उनका खर्चा पानी कैसे चलता है। तो मिजोरम के लोग अभी भी झूम पद्धति से खेती करते हैं। कौन सी पद्धति से खेती करते हैं? झूम पद्धति से, है ना। और इसके अतिरिक्त वे जीविका के लिए बाँस और बेत की टोकरियाँ बनाना, कपड़े बुनना और उनको रंगना जैसे कार्य भी करते हैं। यानी बांस और बेत की टोकरियाँ बना के बेचते हैं, कपड़े बुनते हैं, उनको कलर करते हैं, रंगते हैं, फिर उनको बेचते हैं। ऐसे कामों से भी उनकी आजीविका चल जाती है, उनके घर के जो खर्च है वो चल जाते हैं। अब देखिए आपके जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है कि सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क नंबर दिया है आपको कि मकान बनाने में अधिकतर किस चीज़ का प्रयोग होता है, डैश और कड़ी का प्रयोग होता है, तो बांस और कड़ी का प्रयोग होता है। यहाँ का आंसर हो जाएगा बांस। ख नंबर है पशुओं पर शिकारी की विजय के लिए नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है? तो वहाँ सालकिया नृत्य किया जाता है। ग नंबर प्रश्न है रिक्त स्थान, ये लोग अभी भी डैश पद्धति से खेती करते हैं। कौन सी पद्धति से? हमने अभी अभी पढ़ा आंसर में, है ना, क्वेश्चन के आंसर में, झूम पद्धति से खेती करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है कि तूफानी आंधियां डैश है, क्या है तूफानी आंधियां, इसमें आंधियां शब्द क्या है, विशेषण है, विशेष्य है, सर्वनाम है या क्रिया विशेषण है। तो अब हम देखेंगे क्रिया विशेषण कब होगा, जब क्रिया के पहले लगेगा। अब यहाँ पे कोई क्रिया की विशेषता बताने वाला है क्या? ये शब्द तूफानी आंधी ये कोई क्रिया नहीं है। आंधी जो है वो नाम है ना किसी चीज़ का, जो धूल उड़ रही है उसको हम आंधी कह रहे हैं। तो आंधी की विशेषता बताई जा रही है, तो विशेषण शब्द ये कहलाएगा तूफानी। ठीक है, क्रिया की विशेषता बताने वाले क्रिया विशेषण। सर्वनाम क्या होते हैं? जो नाउन की जगह यानी संज्ञा की जगह पर हम जिन शब्दों का उपयोग करते हैं वो नाउन यानी सर्वनाम कहलाते हैं। और विशेष विशेषण के साथ में आने वाले विशेष्य होते हैं। आगे देखते हैं, अब भाषा ज्ञान में हम लोग देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको दिए हैं मूल्यपरक प्रश्नों में कि केरल के बाद सबसे अधिक साक्षरता मिजोरम में है, इस कथन से सभी भारतवासियों को क्या संदेश मिलता है। तो केरल के बाद जो सबसे अधिक साक्षरता है मिजोरम में, तो इससे हमको यह संदेश मिलता है भारतवासियों को कि जिस तरह से केरल और मिजोरम साक्षरता में सबसे आगे निकल गए हैं, इनको देखते हुए हमें इनसे सीख लेना चाहिए
और हमारे देश के अन्य जो स्टेट हैं, अन्य जो राज्य हैं, वे भी इसी तरह जो है पूर्ण तरीके से साक्षर बन जाए, यह संदेश हमें मिलता है कि हमारे यहाँ के लोगों को हम जितना हो सके साक्षर बनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, मिजोरम के प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में आप जो कुछ जानते हैं अपने शब्दों में लिखिए, यह सौंदर्य बना रहे इसके लिए आप क्या क्या सुझाव देना चाहेंगे। तो जब हम ये लेसन पढ़ते हैं तो हमको इसी में से समझ में आता है कि मिजोरम जो है पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है और इसकी जो पहाड़ियाँ हैं वो ज़्यादा ऊंची भी नहीं है, एकदम हरी हरी छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं लेकिन वो हरी भरी है, चाय के बागान वहाँ पे होते हैं, उसके अलावा कई प्रकार की दो तीन प्रकार की खेती की जाती है, फिर वहाँ के लोग जो है प्रकृति का आनंद उठाते हैं, जब भी कोई फसल की कटाई होती है या पशुओं का जो है वध करते हैं यानी क्या बोलते हैं उसको शिकार करते हैं तो उसके बाद में नृत्य करते हैं, तो इस तरीके से जो है वे अपनी प्रकृति का संतुलन भी बनाए रखते हैं और यहाँ का जो सौंदर्य वो देखने के लायक है। यहाँ नदी 12 महीने जो है पानी से भरी हुई नदियाँ बहती है, झरने बहते हैं, उसके अलावा चारों तरफ हरियाली हरियाली, ये सब यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य, ये हम इसमें लिख सकते हैं। और यह सौंदर्य बना रहे इसके लिए क्या सुझाव देना चाहेंगे, तो यह सौंदर्य बना रहे इसके लिए हम ये सुझाव देना चाहेंगे कि यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य के कारण बहुत सारे जो है घूमने के लिए लोग जाते हैं, पर्यटन के लिए लोग जाते हैं, और ये पर्यटक वहाँ जाके जो कचरा कर देते हैं, प्लास्टिक फेंकते हैं या किसी प्रकार की जो गंदगी करते हैं, वह यहाँ पे हम कहना चाहेंगे कि वे लोगों को हम ये संदेश देना चाहेंगे पर्यटकों को कि वे गंदगी न फैलाएं, प्लास्टिक का कूड़ा कचरा वहाँ पर न डालें और जो है उस जगह को जैसी उसकी सुंदरता है उसको वैसे ही बनाए रखने में अपना अमूल्य योगदान ज़रूर दें। आगे देखते हैं उच्च स्तरीय प्रश्न में कि मिजोरम की पारंपरिक मिजोरम की पारिवारिक संरचना पर प्रकाश डालिए और इनका रहन सहन और विवाह का तरीका कैसा है। तो ये जब मैं अभी आपको लेसन पढ़ाऊंगी उसमें भी खूब अच्छे से समझा दूंगी और मैं यहाँ पे आपको और स्पष्ट कर दूं कि मिजोरम की जो पारिवारिक संरचना है इसमें जो है एक व्यक्ति जो पुरुष होता है वो एक से ज़्यादा शादियाँ कर सकता है, एक से ज़्यादा विवाह कर सकता है, और जो है यहाँ के रहन सहन कैसा है तो यहाँ के जो स्त्री और पुरुष दोनों आभूषण पहनना पसंद करते हैं, है ना, और जो है ये नाट्यकद के होते हैं और नृत्य कला में निपुण होते हैं। इसके अलावा यहाँ विवाह का तरीका कैसा है, तो विवाह के तरीके में आप यहाँ पे जो लेसन के अंदर हमको दिया है उस तरीके से हम इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि इस प्रदेश का विकास अभी कम हुआ है लेकिन हाल के वर्षों में इसमें गति आई है, आशय स्पष्ट कीजिए। अब जैसे यहाँ पे लिखा है, हाँ इस प्रदेश का जो है हम लिख सकते हैं विकास अभी ज़रूर कम हुआ है परंतु हाल ही के समय में, अभी जस्ट के समय में हम देखें तो इसमें गति ज़्यादा आई है क्योंकि यहाँ साक्षरता का जो प्रमाण है वो बढ़ गया है, है ना, यहाँ के यहाँ मतलब पूरे लोग जितने लोग रहते हैं वे सभी साक्षर हैं, तो साक्षरता का प्रतिशत यहाँ सबसे ज़्यादा है, इसलिए अब यहाँ पे उन्नति विकास हमको देखने के लिए जो है वो मिल रहा है। तो जहाँ साक्षरता होगी वहाँ उन्नति भी होगी, विकास भी होगा, प्रगति भी होगी, तो ये चीज़ हम यहाँ पे लिख सकते हैं। आगे देखते हैं भाषा ज्ञान के अंदर भाषा कौशल यानी शब्द निर्माण, इसमें कारक शब्द दिए हैं ना, कारक शब्द शब्द निर्माण और कारक दोनों, तो शब्द निर्माण किससे होते हैं, उपसर्ग से, प्रत्यय से, है ना, संज्ञा सर्वनाम वगैरह में लगा के, उसके अलावा जो है कारक शब्द जो होते हैं वे भी हम अभी देखेंगे इसके अंदर, तो आपने देखा ही होगा कर्ता ने, कर्म को, करण से वगैरह, ये जो होते हैं सब कारक होते हैं, कारक चिन्ह होते हैं। अब देखते हैं अधन सम बराबर असम, ठीक है, और प्रधन कृति बराबर प्रकृति, तो उपर्युक्त शब्दों को जब हम ध्यान से देखें तो शब्दों के आरंभ में अ और प्र लगाकर जो है नए शब्द बने हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, शब्दांश कहते हैं। ये अ और प्र जो है ये शब्दांश है, यानी इनको हम उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय जो होते हैं वे कभी भी पूर्ण नहीं होते, वे शब्दांश होते हैं ना। तो उपसर्ग और प्रत्यय जो होते हैं वे शब्दांश होते हैं, शब्दों के अंश होते हैं, ठीक है, उनका अलग से, जैसे अगर मैं कहूँ प्र या अ तो इनका अलग से कोई मीनिंग नहीं होता, जबकि किसी शब्द के पहले जुड़कर उस शब्द के अर्थ को बदल देते हैं। तो वे शब्दांश जो शब्द के आरंभ में लगकर नए शब्द बनाते हैं उन्हें हम उपसर्ग
कहते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग तथा मूल शब्द अलग अलग करके लिखिए। अब हमें यहाँ पे ये जो है शब्द दिए हुए उपजाति, प्रशाखाएँ, प्रदेश, प्रबल, आभूषण और अभिन्न। अब इनमें से हमको उपसर्ग अलग निकालना है और मूल शब्द अलग निकालना है ना। तो उपसर्ग क्या है, इसके अंदर उप लगा हुआ है, पहले हमको मूल शब्द अलग निकाल लेना चाहिए हमेशा। तो उपजाति, इसमें से जाति जो है वो मूल शब्द है, अलग निकाल लिया, बच गया उप। उप क्या है, उपसर्ग है। प्रशाखाएँ, इसमें से शाखाएँ जो है ये जो है हमारा मूल शब्द है, और इसमें प्र जो है ये क्या लगा हुआ है, उपसर्ग लगा हुआ है। प्रदेश, प्रदेश में से देश जो है ये हमारा मूल शब्द है, और इसमें प्र उपसर्ग लगा हुआ है। वैसे ही हम आगे देखते हैं प्रबल में क्या है, तो हमारा बल जो है मूल शब्द है, इसमें प्र उपसर्ग लगा है। आभूषण में भूषण जो है हमारा मूल शब्द है, इसमें आ उपसर्ग लगा हुआ है। और अभिन्न में से भिन्न जो है ये हमारा मूल शब्द है, और अ इसमें जो है उपसर्ग लगा हुआ है, शब्दांश लगा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से इसको देखा जा सकता है। अब हम सेकेंड नंबर देखते हैं कि जिस प्रकार उपसर्ग शब्द आरंभ में जुड़ते हैं, उसी प्रकार कुछ शब्दांश शब्दों के अंत में भी लगते हैं, और अंत में लग के भी क्या करते हैं, जो शब्दांश शब्दों के अंत में लगकर नए शब्द बनाते हैं, या वो जो शब्द है उसका अर्थ बदल देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। जैसे प्रारंभ धन एक यानी प्रारंभिक, शाखा धन ए बराबर शाखा है। अब ये प्लस का साइन है ना, इसको हिंदी में धन कहा जाता है। ठीक है, तो इसलिए प्रारंभ धन एक बराबर प्रारंभिक और शाखा धन ए बराबर शाखाएँ। तो यहाँ हम ये देखेंगे कि ये शब्द के बाद में लगे हुए एक और ए शब्द, तो निम्नलिखित शब्दों में से प्रत्यय तथा मूल शब्द अलग करके लिखिए। अब अधिकतर, अधिकतर में मूल शब्द क्या है, अधिक। प्रत्यय क्या लगा है, तर। पूर्वज, इसमें मूल शब्द है पूर्व, प्रत्यय क्या लगा है, ज। प्रभावित, इसमें प्रभाव जो है मूल शब्द, इत जो है वो प्रत्यय। अब इत क्यों प्रत्यय, ये जो छोटी ई की मात्रा है ना, इसलिए ये ई हो गया। ठीक है, और त जैसा का वैसा रह गया, तो ये ई की मात्रा है, ये किसकी मात्रा है, ई की, यानी इस लेटर की मात्रा जो है ऐसी होती है, और ये वाला जो लेटर होता है इसकी मात्रा ऐसी होती है। तो मात्राओं के रूप में हम इन स्वरों को देखते हैं, तो इस स्वर की मात्रा ये है और इस स्वर की मात्रा ये है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसी तरीके से जब हम पहाड़ी, पहाड़ी शब्द को देखते हैं, तो पहाड़ जो है इसमें मूल शब्द है, और ये बड़ी की मात्रा है ना, इसलिए यहाँ पे बड़ी हमने लिख दिया है, ये बड़ी जो है प्रत्यय है। खेती, सेम चीज़, खेत मूल शब्द है, बड़ी की मात्रा है, इसलिए बड़ी प्रत्यय है, इसके अंदर ई प्रत्यय है ना। साक्षरता, साक्षर जो है मूल शब्द है, ता जो है इसके अंदर प्रत्यय है। अब ता को भी हम अलग और कर सकते, धन आ बराबर ता है ना, इस तरीके से। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम, इनके मन में संदेह हो गया कि यह इनकी संस्कृति को मिटाने का एक षड्यंत्र है। उपर्युक्त वाक्य में को, का आदि शब्द वाक्य के दो पदों के बीच संबंध स्थापित कर रहे हैं, ऐसे शब्दों को कारक कहते हैं। तो जब हम इन इस तरह के शब्दों को देखते हैं, इनके मन में संदेह, संस्कृति को मिटाने का, तो ऐसे शब्द कारक कहलाते हैं। क्यों मालूम है, क्योंकि ये शब्द जो होते हैं दो पदों के बीच में, यानी ये पद और ये पद, इसके ये पद और ये पद, इसके बीच में ये पद और ये पद, इसके बीच में ये मिटाने और षड्यंत्र के बीच में, इनके बीच में जो है संबंध स्थापित कर रहे हैं, और इसीलिए ये जो है कारक कहलाते हैं। इसी तरह जब दो वाक्यों को एक साथ जोड़ना होता है, तो की का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर ये की का प्रयोग किया है ना, ये की का प्रयोग इस वाक्य को और इस वाक्य को आपस में जोड़ने के लिए किया गया है, और फिर इस वाक्य में से ये और ये जो है आपस में इन चीज़ों को जोड़ने के लिए को और की का उपयोग किया गया, में इसको और इसको जोड़ने के लिए किया गया, और ये दो आपस में क्या है, दो सेंटेंस है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कि में, को, का, की का प्रयोग करते हुए चार वाक्य बनाइए। तो यहाँ पे में क्या लिखेंगे हम, आप लिख सकते हैं कि कप में चाय है, कप में चाय है ना, कप में चाय, चाय काय में पी जाती है, कप में, तो कप में चाय पी जाती है, ऐसा भी वाक्य बना सकते हैं ना। कमरे में फूलदान रखा है, तो कमरे में है ना, इस तरीके से आप बना सकते हैं। दूसरा क्या है, को, तो आप यहाँ पे हम को शब्द का प्रयोग किस तरीके से करेंगे, को शब्द के लिए आप किसी भी तरीके से आप उसका वाक्य बना सकते हैं। जैसे मेरे मित्र ने
मेरे मित्र को घूमना अच्छा लगता है, तो मेरे मित्र को, है ना, इस तरीके से हो गया आपका। फिर उसके बाद में आप देखेंगे कि राजू सोहन का बड़ा भाई है, तो आप यहाँ पे का शब्द का यूज़ कर रहे हैं ना, राजू सोहन का बड़ा भाई है, है ना। अब की, मैंने कहा था कि बाहर मत जाना, तो ये जो की है ये दो वाक्यों को जोड़ने वाला। इस तरीके से आप जो है ऐसे वाक्य बना सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे रचनात्मक गतिविधियाँ भाषा कौशल के अंदर। इसमें ज्ञान, अनुमान लगाना, कल्पना करना यानी इमेजिनेशन, अन्वेषण, नए नए चीज़ें देखना, अभिव्यक्ति यानी अपने एक्सप्रेस करना अपने आप को, अपने विचारों को। प्रस्तुत पाठ में आपने मिजोरम के विषय में जाना, वैसे ही आप जिस राज्य में रहते हैं उसके विषय में एक अनुच्छेद लिखिए। आप जिस भी राज्य में रहते हो, महाराष्ट्र में रहते हो, मध्य प्रदेश में रहते हो, राजस्थान में रहते हो, आप चाहे उत्तर प्रदेश में रहते हो, चाहे आप बिहार में रहते हो, जिस राज्य में रहते हैं उस विषय पर, है ना, उसके विषय पर आप एक अनुच्छेद यानी कि पैराग्राफ, अनुच्छेद यानी पैराग्राफ, पैसेज आप लिखिए। कल्पना की उड़ान, यदि आपको किसी पहाड़ी जगह पर घूमने जाना हो तो आप कौन सी जगह चुनेंगे, तर्क सहित समझाइए। तर्क सहित यानी आप कौन सी जगह चुनेंगे, तो मैं ये जगह चुनूंगा, क्यों चुनूंगा, ये तर्क सहित आपको वहाँ बताना है। मिजोरम में हमेशा, जैसे अगर गर्मी के दिनों में हम ठंडी जगह चुनते हैं, तो इसलिए चुनते हैं ना कि वहाँ पे हरियाली होती है, आँखों को सुकून देती है, उसके साथ साथ ठंडक होती है, तो गर्मी से राहत मिलती है वगैरह। तो ये सारी चीज़ें आप विचार करके इसमें लिख सकते हैं। मिजोरम में हमेशा हरियाली ही रहती है। मिजो कबीले में अनेक उपजातियाँ हैं, जैसे लुशाई, राल्टे, हमार, चकमा, पवी और लाखेर। इनमें से किसी एक के रहन सहन, रीति रिवाज के बारे में कुछ पंक्तियाँ लिखिए। तो इसके लिए हमको जो है इसके बारे में जो है देखकर पढ़कर जो है लिखना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं इसको। तो आपका ये जो लेसन है विद क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गया। आपको ये वीडियो मेरा कैसा लगा मुझे बताइएगा ज़रूर, और मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि मिल बांटकर पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, कभी भी कम नहीं होता, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। और हाँ, बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर से दबाइएगा, ताकि मेरा आने वाला अगला वीडियो आपको सबसे पहले उसकी जानकारी जो है प्राप्त हो जाए। मिलती हूँ आपसे अगला वीडियो लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।